हे वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों क्या आपका बजट 13,000 के आसपास है एंड इस प्राइस रेंज में अपने लिए कोई सा एक बेस्ट 5G फोन बाय करने की सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन जिसे आप अंडर 13,000 बाय कर सकते हैं। ये पांचों ही वैल्यू फॉर मनी फोन रहेगा जहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 120 हर्ट्ज वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले, कैमरे के अंदर OS का सपोर्ट होगा एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे एंड बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो होगा ही सभी फोन के अंदर। तो ऐसे में अगर आपका बजट 13,000 के आसपास है तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो इसलिए हमने इन पांचों ही फोन को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर रैंकिंग किया है। तो हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 5 से। एंड नंबर 5 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन का डिजाइन और कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा प्राइस के हिसाब से। खैर, इस फोन का नाम है Redmi 13 5G। रिसेंटली लॉन्च हुआ ये फोन और 13,000 के नीचे मिल जाएगा। बाकी चलिए जल्दी से डिटेल में आपको बताते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा रहेगा, बैक पैनल ग्लास से बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। 8.3 mm की थिकनेस एंड 205 ग्राम वेट है एंड IP53 की रेटिंग भी है। तो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो सिंगल स्पीकर दिया गया है जिसकी आउटपुट अच्छी है और हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन हाइपर OS। फ्यूचर में 2+4 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट दिया जाएगा एंड बाकी MIUI डायलर दिया गया है, मतलब चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। अब जान लेते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5030 mAh की बैटरी है और साथ में ही 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। नॉर्मल यूज में आसानी से एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.79 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट है एंड 550 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज अच्छा रहेगा, डिसेंट टाइप का कह सकते हो। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की वजह से डे टू डे यूजर्स में स्मूथनेस फील होती है। बाकी बड़ा सा डिस्प्ले है तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी ठीक है। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में दो कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का है और साथ में ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी है। रियर कैमरे से फुल HD में 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। आगे की तरफ 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है, इस कैमरे से भी फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल इस फोन का जो मेन कैमरा है वो लगभग अच्छे से परफॉर्म कर लेता है डे लाइट कंडीशन में। इनफैक्ट लो लाइट फोटोग्राफी भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है प्राइस के हिसाब से। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला 5G चिपसेट और ये चिपसेट ओवरक्लॉक किया गया है, 4 nm पर बना हुआ है, 4 लाख से ऊपर अंतत स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला RAM है। तो डे टू डे यूजर्स में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, बाकी आप कैजुअल लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 7 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, 4G प्लस का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.0 वर्जन का सपोर्ट है, साथ में ही आयर ब्लास्टर भी है। प्राइस की बात करें तो फिलहाल 6/28 के लिए लगभग 14,000 रुपये है और अभी आपको Amazon पर 1,000 रुपये का कूपन मिल जाएगा। कुल मिलाकर 12,000 से 13,000 के बीच में ले सकते हैं इस फोन को भी एंड इस प्राइस पॉइंट पर मिलता है तो देख सकते हो सही पैकेज है। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। बात करें फोर्थ नंबर के स्मार्टफोन के बारे में तो नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा एंड बैटरी बैकअप भी बहुत ही शानदार है। जी हाँ, इस फोन का नाम है Vivo T3X 5G। 13,000 के आसपास ये फोन भी आपको मिल जाएगा एंड इस प्राइस पॉइंट पर ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चलिए जल्दी से डिटेल में आपको बताते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज अच्छा रहेगा, वैसे ध्यान रहे कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 8 mm की थिकनेस एंड 199 ग्राम वेट है और IP64 की रेटिंग दी गई है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है जिसकी आउटपुट अच्छी है और हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है। बायोमेट्रिक के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन फन टच OS 14। फ्यूचर में 2+3 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। वैसे कस्टम डायलर के साथ आता है ये फोन, मतलब चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 6000 mAh की मैसिव बैटरी लगी हुई है जो कि सपोर्ट करती है 44W फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट है एंड 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले अच्छा रहने वाला है, पैनल की क्वालिटी अच्छी है और काफी ब्राइट भी है। स्टीरियो स्पीकर तो है ही, सो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी सही है।
वहीं कैमरा की बात करें तो बैक साइड में दो कैमरा मिलता है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इस कैमरे से फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है। डेलाइट कंडीशन में लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। वैसे सेल्फी कैमरे में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाला 5G चिपसेट। 15,000 के नीचे काफी पावरफुल चिपसेट है ये। 5.5 लाख के आसपास अंतर्दोष को रहता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला रैम है। तो कैजुअल यूज में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। बाकी आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं मीडियम टू हाई सेटिंग में। कनेक्टिविटी की बात करें तो 8 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। 4G प्लस का सपोर्ट है। 12 बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो 4128 के लिए लगभग 13,500 रुपए हैं। इसके अलावा 1,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा पैकेज है, स्पेशली गेमिंग के लिए काफी सही है। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। और गाइस नंबर 3 पर जो हमने फोन रखा है, इस फोन के कैमरे में आपको OS का सपोर्ट मिल जाएगा एंड देखा जाए तो ये एक ऑलराउंडर पैकेज है। मैं बात कर रहा हूँ मोटो G64 5G के बारे में। 13,000 से 14,000 के बीच में ये फोन भी आपको मिल जाएगा। बाकी चलिए जल्दी से डिटेल में आपको बताते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो लुक वाइज ठीक ठाक रहेगा ये फोन, बाकी बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है। वैसे कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 8.9mm की थिकनेस एंड 192 ग्राम वेट है एंड IP52 की रेटिंग भी दी गई है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा, डॉल्बी एटमॉस वाला एंड स्पीकर की आउटपुट काफी अच्छी है। और हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन MIUX। फ्यूचर में 1+3 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 33W फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप ये फोन आपको दे देगा। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 240Hz की टच सैंपलिंग रेट है एंड 560 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज डिसेंट टाइप का रहेगा। स्टीरियो स्पीकर है और बड़ी बैटरी भी है तो कंटेंट वॉचिंग के लिए ठीक है, लेकिन हाँ ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है और एमोलेड पैनल तो है ही नहीं। एनीवे बात करें कैमरा के बारे में तो बैक साइड में 2 कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये OS सपोर्ट के साथ भी आता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से फुल HD में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इस कैमरे से फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। मेन कैमरा काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है डेलाइट कंडीशन में एंड OS होने की वजह से लो लाइट फोटोग्राफी भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। कैमरा परफॉर्मेंस ठीक रहेगा प्राइस के हिसाब से। वही परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 7025 वाला 5G चिपसेट। प्राइस के हिसाब से सही चिपसेट है। लगभग 5 लाख के आसपास अंतर्दोष को आता है। साथ में UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे टास्क में परफॉर्मेंस आपको ज्यादा इशू नहीं होगा। कैजुअल लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 14 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। 4G प्लस का सपोर्ट है। 12 बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्ट है। ऑल्सो NFC भी है। प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल 8128 के लिए लगभग 14,000 रुपए हैं। एडिशनली बैंक डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। लगभग सभी मामलों में बैलेंस फोन रहेगा ये। ले सकते हैं। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। बात करें सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में तो नंबर 2 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन का डिस्प्ले बहुत ही शानदार है। बाकी डिजाइन एंड कैमरा परफॉर्मेंस भी ठीक है। खैर इस फोन का नाम है पोको X6 Neo 5G। 13,000 के आसपास ये फोन भी आपको मिल ही जाएगा। चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा रहेगा। लुक वाइज प्रीमियम है ये फोन। हाउएवर कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। ओनली 7.7mm की थिकनेस है एंड 175 ग्राम वेट है। IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो सिंगल स्पीकर मिलता है जिसकी क्वालिटी ठीक है और हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है। बायोमेट्रिक के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन MIUI 14। फ्यूचर में 2+4 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और कस्टम डायलर के साथ आता है, मतलब चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5000 mAh की बैटरी है एंड साथ में ही 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। कैजुअल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस 10 bit वाला AMOLED डिस्प्ले जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 240Hz की टच सैंपलिंग रेट है एंड 1000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है।
ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा। चिन और बेजल्स बहुत ही कम है जिसके कारण दिखने में काफी प्रीमियम लगता है आगे से भी, और एमोलेड पैनल है तो कंटेंट वॉचिंग के लिए तो अच्छा रहेगा ही। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में दो कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का है और साथ में ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है। रियर कैमरे से फुल एचडी में 30 एफपीएस तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, इस कैमरे से भी फुल एचडी में 30 एफपीएस तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस डीसेंट टाइप का रहेगा, मेन कैमरा लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है डे लाइट कंडीशन में। हाँ, लो लाइट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वैसे अल्ट्रा वाइड कैमरा देना चाहिए था। वहीं दोस्तों परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 वाला 5G चिपसेट, इसका अंतुतु स्कोर 4.5 लाख के आसपास आता है। साथ में UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLP DDR4X वाला रैम है, तो नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस आपको ज्यादा इशू नहीं होगा, इवन आप थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 7 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है, 4G प्लस का सपोर्ट है, 12 बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्ट है, ऑल्सो आयर ब्लास्टर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो 8128 के लिए लगभग 14,000 रुपए हैं, साथ में ही 1,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो ऑफर के साथ इस फोन को आप 13,000 के नीचे इजीली बाय कर सकते हैं, एंड इस प्राइस पॉइंट पर देखोगे तो अच्छा पैकेज है। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। बात कर लेते हैं लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो नंबर वन पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, फिलहाल ये फोन वन ऑफ द बेस्ट फोन रहेगा अंडर 13,000 एंड ट्रू ऑलराउंडर पैकेज कह सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Realme Narzo 75G के बारे में। आमतौर पर इस फोन का प्राइस 15,000 के आसपास होता है, लेकिन अभी आपको बिना किसी डिस्काउंट के 13,000 के नीचे मिल जाएगा, एंड इस प्राइस पॉइंट पर वन ऑफ द बेस्ट फोन कहा जा सकता है इसे। चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो लुक वाइज प्रीमियम रहेगा ये फोन, हालांकि कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 8mm की थिकनेस एंड 188 ग्राम वेट है एंड IP54 की रेटिंग भी है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है जिसकी आउटपुट अच्छी है, और हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है, बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन Realme UI 5.0। फ्यूचर में 2+3 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। वैसे प्ले स्टोर से ओ डायलर डाउनलोड करके चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5000 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 45 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगा ये फोन। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 240Hz की टच सैंपलिंग रेट है एंड 2000 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज अच्छा रहेगा, पैनल की क्वालिटी अच्छी है, बाकी स्टीरियो स्पीकर तो है ही, तो मल्टीमीडिया के लिए भी अच्छा रहेगा ये फोन। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में दो कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, इस कैमरे से फुल एचडी में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा या फिर डिसेंट टाइप का कह सकते हो। प्राइस के हिसाब से कैमरा परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल रहेगा, वैसे अल्ट्रा वाइड लेंस होता तो और अच्छा रहता। खैर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फोन में लगा हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 वाला 5G चिपसेट। अब 13 से 15000 के बीच में बहुत ही पावरफुल चिपसेट है ये। इसका अंतुतु स्कोर लगभग 6 लाख के आसपास आता है। साथ में UFS 3.1 वाला स्टोरेज है, NLP DDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे टास्क में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, काफी कैपेबल चिपसेट है, आराम से आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं मीडियम सेटिंग में। कनेक्टिविटी की बात करें तो 9 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है, 4G प्लस का सपोर्ट है, 12 बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट है। फाइनली बात करें प्राइस के बारे में तो फिलहाल 6128 के लिए लगभग 13,000 रुपए हैं, एंड इस प्राइस पॉइंट पर ये फोन हाईली रिकमेंडेड रहेगा, कंप्लीट पैकेज है। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। तो दोस्तों यही थे टॉप 5 बेस्ट 5G फोन जिसे आप 13,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत समय के साथ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ भी डाउट और कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट भी कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।